आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेट अनरेडी विद मी। मैं गेट रेडी विद मी तो बहुत ज़्यादा शेयर करती हूँ, गेट अनरेडी विद मी भी शेयर करते हैं आपके साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने ईयर रिंग उतार देती हूँ। एक चिट चैट गेट अनरेडी विद मी होने वाला है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी ऑब्वियसली। ये बाय द वे अगर आपने चेकआउट नहीं की तो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे ईयर रिंग हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं एंड बहुत अच्छे हैं। मैं इनकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं। ओके, लैशेज हटाते हैं। ओके, इतना हल्का सा लगा मुझे। अपनी ड्रेस को चेंज करके आती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो है चेंज कर लिया है। अभी हम अपने हेयर टाई कर लेते हैं। तो ये रही मेरी रबर बैंड एंड लेट्स टाई आवर हेयर। तो मैंने सोचा एक चिट चैट यू नो आई एम रेडी विद मी हो जाए। गेट रेडी विद मी तो मैं बहुत कम करती हूँ चिट चैट वाले, ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर में ही करती हूँ। तो इस वजह से, तो क्योंकि मेरी तरफ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस वजह से। एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या क्या चाहते हो मेरे से देखना, या मुझसे कौन कौन से रिव्यूज़ सुनना, कौन कौन से मेकअप ट्यूटोरियल्स। तो इस वजह से, तो चलो सबसे पहले जो है मैं क्या करती हूँ मैं फेस वॉश करती हूँ। सबसे पहले मैं, तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ मामा अर्थ का फेस वॉश, जो कि है राइस वाला फेस वॉश एंड ए फॉर ग्लास स्किन के लिए होता है। एंड नॉइज आ रही है ना, इस वजह से मैं ज़्यादातर यू नो चिट चैट गेट रेडी विद मी नहीं करती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, आप देख सकते हो। ओके गाइस, मैंने यहाँ फेस वॉश अप्लाई कर लिया। वैसे तो मैं सबसे पहले कोकोनट ऑयल से अपना फेस को क्लीन करती हूँ। मैंने फेस वॉश कर लिया, अभी इसको पैड ड्राई करने का वक्त आ गया। तो इसने हमें एक अच्छी सी ग्लास स्किन दे दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्लेम करता है ये। ठीक है, ये इसका मैंने अलग से एक रिव्यू बनाया हुआ है, जिसको मैं जल्दी मैंने अपलोड कर दिया है। इस फेस वॉश का लिंक मैं आपको दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो हमें यूज़ करना है वो है यहाँ पर अपना टोनर। जी हाँ, तो मैं यहाँ टोनर यूज़ करती हूँ। ओके, टोनर, तो मैंने यहाँ अपना टोनर यूज़ कर लिया है। सॉरी, हल्का सा फ़ैन ऑन है बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी इस वजह से। एंड मैंने यहाँ टोनर सजेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज ये मेरे डॉक्टर का रिकमेंड टोनर है। दैट्स वाई, बिकॉज मुझे काफ़ी सारे पिंपल हो रहे थे, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में अगर देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं। नाउ टच वुड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं मेरी स्किन। ही एक फेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरी मामा अर्थ के प्रोडक्ट, इवन इनका बॉडी लोशन, कोको वाला बॉडी लोशन, इट्स वेरी नाइस। आप इसको ट्राई कर सकते हो, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, रेड फोम हो गया। नाउ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सनस्क्रीन। सॉरी, मैं सनस्क्रीन भी नहीं दिखा सकती बिकॉज ऑलरेडी मेरे डॉक्टर की रिकमेंडेशन भी है एंड काफ़ी लिक्विड है, बिकॉज ड्राई स्किन वालों की अच्छे से यू नो स्किन हो जाती है, लेकिन मेरी नहीं हो पाती है बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है। इस वजह से बहुत अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड हो गया। आई नो मैं थोड़ा सनी डे में इसको शूट कर रही हूँ, तो इस वजह से पहले वैसलीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इस वजह से। ओके, तो ये था मेरा अनरेडी विद मी। मैं बस इतना ही करती हूँ, मैं ज़्यादा अपनी स्किन को यू नो सीरम लगाओ फिर ये लगाओ वो लगाओ ये नहीं करती। बस मेरे 3-4 स्टेप्स होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे, एंड इससे मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड हैप्पी रहती है। सो या, ये था मेरा बिफोर एंड ये है मेरा आफ्टर लुक अनरेडी विद मी। पसंद आया, अगर पसंद आया तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।